Hello everyone, welcome to IFS. I am Ujjwal Tripathi, Assistant Professor of Literature. All and good evening to all of you. So students, tell me, how are you and how is your weekend going on? And कैसा रहा मतलब आपका वीकेंड, थोड़ा ये बता दीजिए. और फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे. कैसा आपका डे जा रहा है और सिलेबस किस तरीके से आप पूरा कर रहे हो, जैसे जो जो चीज़ें मैंने बताई, क्या आप उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर कोई डाउट परेशानी है तो भी आप बता सकते हो. एंड एज यू ऑल नो, इन प्रीवियस वीक वी डिस्कस्ड रोमांटिक पोएट्री एट लास्ट. तो आफ्टर रोमांटिक पोएट्री वी आर गोइंग टू डिस्कस विक्टोरियन पोएट्री. एंड यू ऑल नो विक्टोरियन इज द एज ऑफ डाउट, कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल्सो डेवलपमेंट. इन विक्टोरियन एज वी सी राइज ऑफ नॉवेल ऑल्सो. तो हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं. एक बार सब लोग वीडियो को शेयर कर दें एंड देन वी विल स्टार्ट द क्लास. जी, तो विक्टोरियन पोएट्री डिस्कस करने वाले हैं मेनली हम, ठीक है? क्या डिस्कस करने वाले हैं? विक्टोरियन पोएट्री. एंड यू ऑल नो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ विक्टोरियन पोएट्री, इनको हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है? तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दें एंड देन वी विल स्टार्ट द क्लास. एक बार कमेंट सेक्शन में भी बताएं, क्या आपको रोमांटिक केस समझ में आया? जैसे चलिए, मैंने शेयर कर दिया वीडियो, आप भी शेयर कर दो. तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, आवाज़ ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है आप लोगों को? चलिए, तो हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करते हैं. विक्टोरियन एज, यू ऑल नो विक्टोरियन एज इतना इम्पॉर्टेंट एज है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में. एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट ये भी आपको पता है. तो विक्टोरियन एज और द विक्टोरियन एरा इज एन एज ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री स्पैनिंग द 64 ईयर रीन ऑफ क्वीन विक्टोरिया. विक्टोरियन एज जो है वो क्वीन विक्टोरिया के नेम पे उस एज का नाम पड़ा है, ठीक है? क्वीन विक्टोरिया के नाम पे उस एज का नाम पड़ा है. एंड दिस एरा स्पैन फ्रॉम 64 ईयर, लाइक 1837 टू 1901. एंड व्हेन क्वीन विक्टोरिया रूल्ड द इंग्लैंड, दिस टाइम इज नोन एज विक्टोरियन एरा, ठीक है? और विक्टोरियन एरा में हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स आएंगे. विक्टोरियन एरा इज also a age of conflicts, is also age of doubts, and we also see many types of industrial revolution to peak pe hota hi hai us time pe. Saath mein bhi also see bahut sare doubts aur conflict jo is age ko is age ka main keh sakte hain characteristics. Okay, if you see the example of Matthew Arnold poem Dover Beach में he talks about the dry sea faith जो dry हो चुका है, ठीक है? Sea of faith which is dry, उसके बारे में बात करते हैं Matthew Arnold. So you all know Victorian era and how it is important, you all know. The period is known for economic progress, okay? Period is known for economic progress. And also this period is known for poverty and exploitation. If you see, एक तरफ विक्टोरियन एरा में प्रोग्रेस भी हो रहा और एक तरफ विक्टोरियन एरा में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी भी, ठीक है? तो दोनों
अपने आप को कन्फ्लिक्ट कैसे कर रहा है, ये भी देख रहे हो आप। देर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। हाउ एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, तो रिफॉर्म बिल के आने के कारण अब लोगों को ऐसा माना जा रहा है कि सब लोग इक्वल हैं, एवरी वन इज इक्वल, ऐसा माना जाने लगा। लेकिन वहीं पे एक तबका है जो इनइक्वालिटी फील कर रहा है, वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास के साथ ये हो रहा है और ये आ चुका है, ये आ चुका है कि सबको वोट देना है। लेकिन वो लोग अभी भी देख रहे हैं कि इलाइट क्लास जो है उनके पास प्रॉपर्टी का अधिकार, उनके पास प्रॉपर्टी सारा कुछ है, तो अभी वो इनइक्वालिटीज हैं। ओके, एंड द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर ग्रो वाइड विद ड्राइव फॉर मटेरियल एंड कमर्शियल सक्सेस एंड देयर अपीयर्ड अ काइंड ऑफ मोरल डिके इन द सोसाइटी। और इसके कारण सोसाइटी में एक मोरल डिके आ गया है, सोसाइटी में एक मोरल डिके आ गया है। सोसाइटी जो है तीन चीज़ों से जूझ रही है, किस किस चीज़ से? एक तो एरिस्टोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी हो रहा है, फिर हम लोगों को देखते हैं रिलीजन और साइंस में कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस, एंड देयर इज ऑल्सो अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइक सेक्सुअल क्राइसिस भी है। कैसे सेक्सुअल क्राइसिस? तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि बहुत लोग इस कन्फ्लिक्ट में भी है कि सेक्स बिफोर मैरिज और सेक्स आफ्टर मैरिज इस कन्फ्लिक्ट में भी है, कौन मतलब सही है या नहीं सेक्स बिफोर मैरिज, ठीक है। एंड देयर इज ऑल्सो वी सी प्रोस्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और उस टाइम पे ये जो बीमारी है एड्स वगैरह ये उस टाइम पे सबसे पहले आती है, डेवलप होती है, ठीक है। तो ये सब सिनेरियो है हिस्ट्री का जो विक्टोरियन एज का है। तो जब भी हम किसी एज के बारे में डिस्कस करते हैं, किसी एज की पोइट्री डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वी हैव टू सी द एज ऑल्सो, लाइक लिटरेचर रिप्रेजेंट द एज, ठीक है। लिटरेचर में वो एज का सब कुछ देखने को मिलेगा, और अगर आपको हिस्टोरियल बैकग्राउंड पता रहेगा तभी आप समझ पाओगे कि डोवर बीच में मैथ्यू अर्नॉल्ड किस सी ऑफ फेथ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सिकनेस ऑफ फरीनेस जो स्कॉलर जिप्सी में वो बात कर रहे हैं वो किस बारे में बात कर रहे हैं, ये सब तभी समझ पाओगे जब आप एज को समझे रहोगे, ठीक है। तो एज मैटर्स अलॉट, एंड इफ यू सी द एग्जांपल ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइट्री में ऑप्टिमिज्म दिखता था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ऑप्टिमिज्म के लिए फेमस थे, मैथ्यू अर्नॉल्ड पेसिमिस्टिक थे अपने पोइट्री में, एंड मैथ्यू अर्नॉल्ड, ओके हेलो राधा, एंड अल्फ्रेड टेनिशन वाज वन ऑफ देम जो मिडिल पाथ फॉलो करते थे, जो इस क्राइसिस को, इस कन्फ्लिक्ट को कम करने का कोशिश कर रहे थे। विक्टोरियन एज इज ऑल्सो नोन फॉर विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइजेशन। गुड इवनिंग माया, एंड व्हाट इज विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइजेशन, कैन एनीबडी टेल मी? लाइक माया, राधा, कैन यू टेल मी व्हाट इज विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइजेशन? वेरी गुड इवनिंग विशाल। विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइजेशन, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइजेशन? लुक, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइजेशन इज अ टर्म जो कि हम लोगों को विक्टोरियन एज के कन्फ्लिक्ट को दर्शाता है, और उनके बीच का कॉम्प्रोमाइजेशन ही विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइजेशन। इनके किनके बीच? तो एरिस्टोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी, ये जो कन्फ्लिक्ट है वो इसी एज में दिखने को मिल रहा था। साथ में रिलीजन वर्सेस साइंस का कन्फ्लिक्ट। अब रिलीजन वर्सेस साइंस का कन्फ्लिक्ट क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो देखो हुआ क्या कि विक्टोरियन एज में 1859 में एक वर्क आता है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज करके, जो कि चार्ल्स डार्विन का वर्क है। एंड चार्ल्स डार्विन जो हैं वो बोलते हैं अपने वर्क में कि हम लोग तो पहले मंकी थे और हम लोग मंकी से इवॉल्व होके ह्यूमन बने, ठीक है। वी आर ऐप एंड वी आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन वी बिकम ह्यूमंस, ठीक है। तो जब ये बात वो बोलते हैं, जब चार्ल्स डार्विन के वर्क में ये देखने को मिलता है, वो साइंटिफिक प्रूफ देने लगते हैं कि हम लोग पहले मंकी थे, भगवान जैसा कुछ नहीं है, वो हम लोग तो मंकी से यहाँ इवॉल्व होके ह्यूमन बने। तो ये रिलीजन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो रिलीजन बोलता था कि
हम लोगों का जन्म कैसे हुआ, जैसे क्रिश्चियनिटी में कैसे है कि एडम और ईव का कहानी, तो रिलीजन उन चीज़ों पे बात कर रहा था कि हम लोग कैसे डेवलप हुए, हम लोग कैसे आए। वो बोला था कि भगवान गॉड गॉड जो है इस दुनिया को क्रिएट किया है, और साइंस बोल रहा है कि गॉड जैसा कुछ तो है ही नहीं। तो इन दोनों के कन्फ्लिक्ट को ही रिलीजन वर्सेस साइंस वाले कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग देखते हैं। एंड इफ यू सी द विक्टोरियन एज, तो विक्टोरियन एज में बहुत सारे लोग इस कन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैं लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन का अगर आप एग्जांपल लोगे, तो लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन इस एज में, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन इसी बात पे बोलेंगे कि साइंस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। विदाउट रिलीजन, विदाउट रिलीजन साइंस इज ब्रेनलेस, एंड विदाउट साइंस रिलीजन इज सेंसलेस। ऐसा कुछ मतलब ब्रेनलेस सेंसलेस उसको बोला है, ठीक है। तो मतलब रिलीजन के बिना साइंस, रिलीजन के बिना साइंस सेंसलेस है, एंड साइंस के बिना रिलीजन ब्रेनलेस है, ठीक है, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने। तो ये क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने बोला कि देखो साइंस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और रिलीजन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। साइंस आपको डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो रिलीजन आपके मेंटल पीस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप चाहते हो मेंटल पीस, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है रिलीजन, ओके। एंड दिस वी कैन सी इन विक्टोरियन एरा पोइट्री, ओके। एंड इफ यू सी द एग्जाम्पल ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग पोएट्री, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ऑप्टिमिस्टिक थे, रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में मैंने बताया, ऑप्टिमिस्टिक थे। तीन पोएट हुए इस एज में जो कह सकते हैं जिनको मेन पोएट कहते हैं हमारे इस एज के, तो तीनों के नाम है मैथ्यू अर्नॉल्ड, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट पोएट में से एक थे, एंड दे ऑल आर वन ऑफ देम जो इस कन्फ्लिक्ट के बारे में मोर और लेस बात कर रहे थे, ठीक है। और आज हम लोग रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं, एंड जब आप विलियम जेलोंग पढ़ोगे ना, तो उसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में लिखा हुआ है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग एक ऐसे आदमी हैं जिसको आप मतलब आराम से पढ़ के निकल नहीं सकते हो, ऐसे आदमी हैं, ठीक है। उनको पढ़ने के लिए आपको इंटेलेक्चुअल पावर लगेगा, ठीक है, इंटेलेक्चुअल पावर लगेगा। वो आपको सिर्फ कह सकते हैं कि आप सिर्फ उनको पढ़ के आराम कर सकते हो, ऐसा नहीं है, वो आपको अंदर से झकझोड़ेंगे, ऐसा पोएट है। एंड ऑल्सो रॉबर्ट ब्राउनिंग इज वन ऑफ देम जिनकी पोएट्री में हम लोगों को बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक मोनोलॉग दिखने को मिलता है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग? कैन एनीबडी टेल मी ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग के पोएट्री में सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक मोनोलॉग देखने को मिलता है, बताइए। देखिए रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग, एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग इज वन ऑफ देम जो उसको फेमस करते हैं, पॉपुलर करते हैं, ठीक है। उनके पोएट्री से, उनके वर्क से ही ड्रामेटिक मोनोलॉग सबसे ज़्यादा फेमस होता है। एंड विक्टोरियन पोएट्री में, विक्टोरियन पोएट्री का कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग देखें, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। बहुत सारे पोएट इसमें लिख रहे थे ड्रामेटिक मोनोलॉग में, अब सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया इन्होंने रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जब हम लोग इनके बारे में बात करते हैं, तो इनकी पोएट्री जब आप पढ़ोगे ना, तो इनकी पोएट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। द चीफ डिफिकल्टी इन रीडिंग ब्राउनिंग इज द ऑब्स्क्रिटी ऑफ हिज स्टाइल। इनके बारे में बोला था कि ये शेक्सपियर के जितना इनके पास क्षमता था लिखने का, कैपेसिटी एबिलिटी कह सकते हो आप, शेक्सपियर जितना लिखने का क्षमता था, शेक्सपियर जितना फेमस हो सकते थे ये, लेकिन क्योंकि ये ऑब्सक्योर थे बहुत ज़्यादा, कारण क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वोरेसियस रीडर थे, रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज अ वोरेसियस रीडर, एंड इन हिज रीडिंग ही रीड मेनी बुक्स, एंड समटाइम्स इफ वी सी हिज पोएम, तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि इनका पोएम बहुत ज़्यादा ऑब्सक्योर है, क्योंकि बहुत सारे रेफरेंस हैं जो ये पढ़ते समय पढ़े हैं, उस रेफरेंस को दे रहे हैं, ठीक है। और एक नॉर्मल आदमी उसको समझेगा नहीं, क्योंकि वो उस तरीके से बात ही कर रहे हैं कि वो अगर जो पढ़ा हुआ होगा उस वर्क को तभी समझ सकते, ठीक है। तो ही इज वन ऑफ देम जिनको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है। एंड जब क्रिटिक्स इनके बारे में बात करते हैं, हाफ अ सेंचुरी अगो हेल्ड अप टू रिडिक्यूल देयर एटीट्यूड टुवार्ड द पोएट्स अर्ली वर्क मे बी इन्फ्रेड फ्रॉम टेनिसन ह्यूमरस क्रिटिसिज्म ऑफ सॉर्डेलो।
इनका एक वर्क आया था सॉर्डेलो करके, और अल्फर्ड लॉर्ड टेनिसन उस टाइम के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोएट को क्रिटिसाइज किए थे, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। तब तक आप लोग मेरे को बताइए ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है। आप लोगों ने अभी तक नहीं बताया, एक सेकेंड। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग अ टाइप ऑफ पोएट्री जो ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा जाता है, वो आगे मैं आपको बता ही रहा हूँ। चलो आप बता नहीं रहे हो तो देखो, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ब्राउनिंग वाज एन इम्पॉर्टेंट इंग्लिश पोएट ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड, नोन लार्जली फॉर मास्टरिंग द ड्रामेटिक मोनोलॉग। वाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ पोएट्री इन विच अ सिंगल स्पीकर स्पीक्स एंड सिंगल स्पीकर एड्रेस इज अ साइलेंट लिसनर। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक साइलेंट लिसनर होता है, ओके? एंड वो जो साइलेंट लिसनर होता है उसका स्टोरी, द स्टोरी ऑफ, वो बोलते रहता है उस साइलेंट लिसनर को, एंड द ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट ऑफ द स्पीकर ऑन इज हर ओन स्टोरी गिव रीडर साइकोलॉजिकल इंसाइट इन टू द करेक्टर। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो राइटर होता है, आप मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ अच्छे से आप समझोगे। ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक स्पीकर होता है, वो साइलेंट लिसनर को एड्रेस करता रहता है, और वो साइलेंट लिसनर को एड्रेस करते हुए वो अपना साइकोलॉजिकल चीज़ें बता रहा होता है। ठीक है, अपने बारे में बता रहा होता है। एंड इम्पॉर्टेंटली द राइटर्स टेक्स ऑन द पर्सोना ऑफ जस्ट वन कैरेक्टर टू टेल अ स्टोरी दैट कैरेक्टर्स पर्सपेक्टिव, जो कि जो स्पीकर है उसी का कैरेक्टर का पर्सपेक्टिव है, ओके? एंड ब्राउनिंग इज नोन फॉर बीइंग एबल टू क्रिएट अ साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट ऑफ हिज कैरेक्टर विथ हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग। और ऐसा माना जाता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट था, कैरेक्टर्स का जो साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट करते थे, वो बहुत अलग लेवल का था। थ्रू देयर स्पीच रीडर्स गेट अ डीप डाइव इन टू देयर साइकी, और रीडर उनके साइकी में जा पाते थे। देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज डिफरेंट फ्रॉम सोलिलिकी, एंड हाउ इट इज डिफरेंट? तो सोलिलिकी जो होता है ना, उसमें हम लोग कैरेक्टर के थॉट को समझते हैं, और थॉट जो होता है वो ऑडियंस के लिए ही होता है सिर्फ। लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है कि जो साइकोलॉजिकल इंसाइट तो हम लोग को मिलता ही है कैरेक्टर का, साथ में एक साइलेंट लिसनर रहता है जो कुछ बोलेगा नहीं, जो कुछ नहीं बोलेगा, बस वो सुनेगा। ठीक है, लेकिन वो साइलेंट लिसनर को ही एड्रेस करता है पूरा पोएम। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इज वन ऑफ देम जो इसके लिए फेमस थे। एंड ही वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन कैम्बरवॉल एंड अ मिडिल क्लास सबर्ब ऑफ लंदन इन 1812, एंड ब्राउनिंग पोएट्री ऑफन एक्सप्लोर्ड कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल एंड मोरल थीम्स। ब्राउनिंग के पोएट्री में ऑफन साइकोलॉजिकल और मोरल थीम्स होते थे, एंड ही वॉज नोन फॉर हिज डीप इंसाइट इन टू ह्यूमन नेचर, और वो जाने जाते थे डीप इंसाइट ह्यूमन नेचर में, उनका जो ह्यूमन नेचर के अंदर का इंसाइट देने के लिए वो जाने जाते थे, साइकोलॉजिकल इंसाइट देते थे वो अपने पोएट्री से। इन 1845 ब्राउनिंग मेट एलिजाबेथ बैरेट। एलिजाबेथ बैरेट इनकी वाइफ थी, मतलब इनकी वाइफ बनी 1845 में, उनसे मिले थे। वाज वेल नोन इन लिटरेरी सर्कल फॉर हर ओन पोएट्री एंड फेल इन लव विथ हर। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जो एलिजाबेथ बैरेट थी पहले, वो रॉबर्ट ब्राउनिंग से ज़्यादा सक्सेसफुल थी उनसे मिलने से पहले। ठीक है, शी वॉज मोर सक्सेसफुल, एंड शी वॉज वन ऑफ देम जिनको हम लोग कह सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ टेनिसन और उनके बराबर की थी वो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। तो ये मिले कैसे ये लोग, और ये 6 साल ओल्डर भी थी, रॉबर्ट ब्राउनिंग से 6 साल ओल्डर थे। शी वॉज 6 ईयर्स ओल्डर देन हिम एंड आर्ग्यूबली मोर सक्सेसफुल, और ज़्यादा सक्सेसफुल भी थी। देयर लव स्टोरी बिगैन व्हेन एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग प्रेज्ड, एलिजाबेथ बैरेट प्रेज्ड ब्राउनिंग्स वर्क इन हर पोएम्स कलेक्शन विच शी पब्लिश इन 1844। एक पोएट पोएम का कलेक्शन पब्लिश करती हैं 1844 में, जिसमें ये
करती हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग को, और वहीं से फिर ये लेटर्स का दौर शुरू होता है, लेटर्स का दौर स्टार्ट होता है, एंड आफ्टर दैट दे बिकम लवर्स एंड वो लोग भाग के शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में। अब हम लोग इनके वर्क पे जाएंगे, कौन सा वर्क क्या इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा चीज़ें मैं बता दूं कि एक इनका वर्क था सॉडेलो, सॉडेलो करके एक वर्क था जिसके बारे में टेनिसन बहुत ह्यूमरसली बोले थे कि मतलब उसमें एक लाइन है, सॉडेलो का लाइन है, पहला लाइन है, हु वुड हैज हियर सॉडेलो स्टोरी टोल्ड। ठीक है, पहला लाइन है, हु विल मे हियर सॉडेलो स्टोरी टोल्ड। ठीक है, ये पहला लाइन है, और उसी को जस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोयम, हु विल मे हियर सॉडेलो द स्टोरी टोल्ड, तो टेनिसन इसी को घुमाकर बोलते हैं, दैट लास्ट लाइन इज हु वुड हैज हियर सॉडेलो द स्टोरी टोल्ड। टेनिसन रिमार्क दैट दीज वी आर द ओनली लाइन्स इन द होल पोयम दैट ही अंडरस्टूड। मतलब कि सिर्फ पहला लाइन और लास्ट लाइन, यही दो लाइन वो समझ पाए थे पूरे पोयम में। ठीक है, पूरे पोयम में सिर्फ दो लाइन वो समझ पाए थे अल्फर्ड लॉर्ड टेनिसन, मतलब ऐसा उनको उन्होंने बोला। तो सॉडेलो के बारे में खुद जब इनके बारे में बोला गया, रॉबर्ट ब्राउनिंग से बोला गया कि इतना कॉम्प्लेक्स पोयम है, क्या बोलना क्या चाहते हो आप, इन द सेंस कि इस कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है ये पोएम। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग उसके बारे में कमेंट करते हैं कि दो आदमी जानते थे इस पोएम के बारे में, इस पोएम को कॉम्प्रिहेंस दो आदमी कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड दो आदमी कर सकते हैं, एक गॉड जब ये लिख रहे थे तो एक गॉड जानते थे और एक रॉबर्ट ब्राउनिंग जानता था, उनमें से एक आदमी भूल चुका है, वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग, और गॉड को पता है इसका मतलब। ये उनका खुद का शब्द था सॉडेलो को लेकर, तो इट मीन्स कि दैट वर्क इज़ वेरी ऑब्सक्योर वर्क। ओके, एंड ब्राउनिंग इज लेड फ्रॉम वन थिंग टू अनदर बाय हिज ओन मेंटल एसोसिएशन एंड फॉरगेट दैट रीडर एसोसिएशन मे बी इंटायरली डिफरेंट काइंड, दैट्स बाय हिज वर्क इज वन ऑफ देम। व्हाट डू यू मीन? सर काइंडली प्रेजेंट द स्लाइड फ्रॉम वेयर यू रीडिंग दिस। वो स्लाइड दिखाना, वो तो मैं लाइन बस बता रहा हूँ सॉडेलो के बारे में कि वो जो बोले थे, तो वो विलियम जे लॉन्ग में वो लाइन है। ठीक है, विलियम जे लॉन्ग का अगर आप रॉबर्ट ब्राउनिंग वाला पेज खोलोगे, उस पेज में पहले पेज में ही वो लाइन है। उसी में ये लाइन है जो टेनिसन बोलते हैं कि पहला लाइन और लास्ट लाइन ही हम समझे, और तो लाइन समझे ही नहीं, और उसके बाद का बात मैं बता रहा था। नाउ अंडरस्टैंड मानसी, लाइन लिख दे। ठीक है, लिख देते हैं। ओके, एक सेकंड लिख देता हूँ मैं लाइन आपके लिए। देखो लाइन क्या है, सॉडेलो पोयम था उनका। ठीक है, उनका पोयम था सॉडेलो, जो कि बहुत ऑब्सक्योर पोयम था, जिसके बारे में खुद रॉबर्ट ब्राउनी ने क्या बोला, मैंने आपको बताया ही कि दो ही आदमी जानते थे, एक ब्राउनी और एक भगवान, उनमें से एक आदमी भूल चुका है इस पोयम को, तो वो है रॉबर्ट ब्राउनी। तो पहला लाइन इस पोयम का था, हु विल मे हियर सॉडेलोज स्टोरी, हु विल मे हियर सॉडेलोज स्टोरी टोल्ड, ये पहला लाइन है। ठीक है, ये पहला लाइन है कि हु विल मे हियर सॉडेलो स्टोरी टोल्ड, कि कौन सुनेगा सॉडेलो का स्टोरी जो बताया गया है, एंड लास्ट है हु, ये फर्स्ट है एंड ये लास्ट है, हु वुड हैज हियर सॉडेलोज स्टोरी टोल्ड, कौन कौन सुन लिया होगा तो स्टोरी बताया गया। तो ये जो दोनों लाइन है, टेनिसन ने बोला कि अल्फर्ड लॉर्ड टेनिसन ने बोला, इनके कंटेम्प्रेरी थे, तो अल्फर्ड लॉर्ड टेनिसन ने बोला कि यही दो लाइन है जो समझ में आया। ठीक है, यही दो लाइन है जो समझ में आया पूरे पोयम में, जिसके
सौडेलो की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि कौन सुनेगा, सौडेलो की कहानी सुना दिया, कौन सुना, यही दो लाइन समझ में आया, बाकी कुछ नहीं समझ में आया, इतना ऑब्स्क्योर पोएम था। और समटाइम ब्राउनिंग जो है वो इस तरह से उनका, क्योंकि वो वोरेसियस रीडर थे तो वो जब पढ़ते थे ना बहुत सारा चीज़, तो वो एसोसिएट करते थे एक दूसरे से, लेकिन वो भूल जाते थे कि सामने वाला रीडर जो है वो नहीं पढ़ा है उस चीज़, वो कैसे एसोसिएट करेगा उस चीज़। ठीक है, बहुत सारा ऑब्स्क्योर इसीलिए इनका पोएम लगता था। ठीक है, तो नाउ ब्राउनिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, ही वॉज फेमस फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग मैंने आपको बताया क्या होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में होता है एक साइलेंट स्पीकर जो बात सुनता है, जो जिसको एड्रेस किया जाता है, जिसको स्पीकर एड्रेस करता है और अपना सारा साइकोलॉजिकल इंसाइट्स, अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर रहा है, अपने बारे में सब कुछ बताता है, और एक तरह से वो साइलेंट लिसनर को ही बता रहा है और ऑडियंस को ही बता रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सोलिलोक्वी। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, आप हमारे चैनल पर अगर आपने देखा होगा तो, ड्रामेटिक मोनोलॉग वर्सेस सोलिलोक्वी, मैंने उसमें सही से आपको समझाया भी, और आज भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि ड्रामेटिक मोनोलॉग और सोलिलोक्वी में क्या डिफरेंसेज हैं। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग वन ऑफ देम थे जो ड्रामेटिक मोनोलॉग फेमस कर दिए, पॉपुलर कर दिए, एंड दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग जो आपके सामने हैं। पहला है पॉलिन अ फ्रैगमेंट ऑफ कन्फेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जो एनोनिमसली पब्लिश हुआ था, एंड फिर उसके बाद है माई लास्ट डचेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है और आपको पता होना चाहिए। फिर अब प्रोफेरियाज लवर, ये प्रोफेरियाज लवर जो है ये इनका ये जो इनका वर्क है प्रोफेरियाज लवर, ये एक ऐसा वर्क है जिसमें हम लोगों को ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में है, ठीक है, और साथ में ये भी देखने को मिलता है, माई लास्ट डचेस भी उसी में है, लेकिन प्रोफेरियाज लवर के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो प्रोफेरियाज लवर में एक लवर है जो अपनी लवर को मार दिया है, अपनी जो भी उसकी गर्लफ्रेंड है उसको मार दिया है, और फिर उसको जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है, कि व्हाई ही किल्ड हर, ही वाज आल्सो जस्टिफाइंग दैट। और इस पोयम में हम लोग को वही देखने को मिलता है, प्रोफेरियाज लवर, वो प्रोफेरियाज लवर है, ठीक है। एंड फिर इनका वर्क है द रिंग एंड द बुक, जिसके लिए इनको जो जिनके जिसके लिए फेमस है बहुत, स्ट्रेफोर्ड भी एक इनका वर्क है, सौडेलो भी एक इनका वर्क है जो मैंने उधर डिस्कस किया पीछे में, एंड ऑल्सो वेल्स एंड पोमीग्रेनेट्स भी इनका एक वर्क है, ठीक है। इनका सबसे नोटेड वर्क जो है वो है रिंग एंड द बुक, ये सबसे इंपॉर्टेंट में से है, नोटेड वर्क जो कह सकते हैं, इज नोटेड वर्क इज रिंग एंड द बुक, एंड इट इज़ अ स्टोरी ऑफ रोमन मर्डर ट्रायल, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़ा, तो इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पॉलिन अ फ्रैगमेंट ऑफ कन्फेशन जो है, इट इज ऑल्सो फॉर्मली ड्रामेटिक मोनोलॉग, इम्बोडिड मेनी ऑफ हिज एडोलेसेंट एंजाइटी, जो इनके मतलब उस जवानी के उम्र में जो मतलब जो एंजाइटीज थे इनके, उसके बारे में, ठीक है। एंड इट रिसीव्ड सम फेवरेबल कमेंट, इट वॉज लाइक जॉन स्टुअर्ट मिल उस टाइम के थे, उन्होंने इस पर कमेंट किया था, हु कंडेम्ड द पोएट एक्सपोजर एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हिज ओन इमोशन एंड हिज इंटेंस एंड मॉर्बिड सेल्फ कंसर्न्स के बारे में बोला था जॉन स्टुअर्ट हॉल, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट हॉल नॉन फिक्शनल प्रोज में उनको हम लोग जानते हैं, ठीक है। और इसी के बाद मिल के जो क्रिटिक्सिज्म थे कि इस पोएट्री में इनका खुद का इंटेंस इमोशन देखने को मिल रहा है और साथ में एक सेल्फ मॉर्बिड कंसशनेस देखने को मिल रहा है, खतरनाक कंसशनेस देखने को मिल रहा है। तो इस क्रिटिसिज्म के बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग नेवर टू कन्फेस हिज ओन इमोशन अगेन इन हिज पोएट्री बट टू राइट ऑब्जेक्टिवली, मतलब खुद के इमोशंस लिखना उन्होंने बंद कर दिया इसके बाद, जब से ये क्रिटिसिज्म उनको मिला जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। तो ठीक है, और भी इनके बहुत सारे वर्क हैं, मैं एक एक करके नाम लिख दे रहा हूँ, जैसे सौडेलो, ठीक है, सौडेलो भी इनका इम्पोर्टेंट वर्क है, एंड साथ में 1840 में आया था ये बात पता आपको। एक और है पेरेक्लस, ये 1845 में आया,
एंड दिज वर्क्स दिज पोएम्स आर डीलिंग विथ मेन ऑफ ग्रेट एबिलिटी स्ट्राइविंग टू रिकनसाइल द डिमांड्स ऑफ देयर ओन पर्सनैलिटी विद दोज ऑफ द वर्ल्ड एंड पर्सिस्लस जो है वो ज़्यादा अच्छे से रिसीव किया गया है. सॉडेलो को तो थोड़ा लोग नकार दिया. सॉडेलो विच मेड एग्जैक्टिंग डिमांड्स ऑन इट्स रीडर्स नॉलेज वॉज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली डिक्लेयर्ड इनकम्प्रिहेंसिबल. इस वर्क को डिक्लेयर कर दिया गया था कि इनकम्प्रिहेंसिबल वर्क है, कोई कंप्रेहेंड नहीं कर पा रहा. खुद रॉबर्ट ब्राउनिंग कंप्रेहेंड नहीं कर पा रहे थे लिख देने के बाद, वो खुद भी खुद कंप्रेहेंड नहीं कर पा रहे थे. तो सोच लो कितना खतरनाक वर्क था ये. ठीक है, तो ये कुछ इनके इम्पॉर्टेंट जो भी वर्क है मैंने डिस्कस कर दिए. एंड ये बेल एंड पॉमीग्रेनेट जो वर्क है इसमें बहुत सारे हम लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे छोटे छोटे इनके पोएम जो फेमस पोएम है जैसे पीपा पाशिश, ल्यूरिया, ये सब इसी में देखने को मिलेंगे. तो उसके बारे में जब हम बेल्स एंड पोमीग्रेनेट जब डिस्कस करेंगे तो डिटेल में मैं डिस्कस कर दूंगा. ठीक है, एंड अगर आप पेपर वन की तैयारी कर रहे हो तो हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है 26 फरवरी से और बैच लाइव है. इसमें आपके मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, लाइव कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस पेपर सब कुछ मिलेंगे. तो आप इसको ले सकते हो. ठीक है, पेपर वन का एक्सक्लूसिव बैच लाइव. एंड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट IFS कंडक्ट करवाने जा रहा है आपके लिए 29 फरवरी 2024 को. ये किसके लिए है? तो पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट, ये एक यूनिट है आपके पेपर वन में. पेपर वन के एक यूनिट के लिए हमारा टेस्ट करवाया जा रहा है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो. ओके, अभी तक कोई डाउट है आप लोगों के मन में पूछ सकते हो. मानसी, विशाल, राधा, एवरीवन. अब हम लोग डिस्कस करने वाले इनका दूसरा मतलब इनका मेन वर्क जो सबसे इम्पोर्टेंट में से एक है, रिंग एंड द बुक. उसके बाद आगे हम लोग चले. देखिए, जब हम लोग ब्राउनिंग के बारे में बात करते हैं तो ये वर्क उनका सबसे इम्पोर्टेंट में से एक, रॉबर्ट ब्राउनिंग का. ठीक है, एंड इन दिस वर्क इट इज़ अ ड्रामेटिक नैरेटिव पोएम, अ लॉन्ग ड्रामेटिक नैरेटिव पोएम. एक तरह का वर्स नॉवेल है. जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि ये पीरियड जो था नॉवेल्स का था, दिस इज द पीरियड ऑफ नॉवेल्स. एंड इन दिस पीरियड वी ऑल्सो सी मेनी नॉवेल्स लाइक मेनी नॉवलिस्ट ऑल्सो. एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, इन दिस एज वी सी द नॉवलिस्ट लाइक चार्ल्स डिकेंस, विलियम मेकफिस्ट ठाकरे. तो ये पीरियड नॉवेल्स का था और ये इनका एक वर्क है जो ड्रामेटिक नैरेटिव पोएम है लेकिन वर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है. 21,000 लाइन्स हैं, पब्लिश्ड इन 4 वॉल्यूम्स फ्रॉम 1868 टू 1869. एंड अ बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मर्डर ट्रायल. ये बुक जो है एक मर्डर ट्रायल का स्टोरी बताता है जो कि रोम में 1698 में हुआ था. 1698 में हुआ था, ये आपको याद रखना है. और ये वर्क कब आया? 1868 में. वेयर बाई एन इम्प्रोवाइज्ड नॉवेल मैन. इसको आप थोड़ा सा एक सोचो इसको याद करने का तरीका, अगर इसका पब्लिकेशन ईयर याद करना हो आपको तो. 1698 का स्टोरी है, 1869 में, वो एक ही वर्ड है ना, बस इधर उधर किया हुआ है जंबल. तो आप इससे भी याद कर सकते. दिस बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मर्डर ट्रायल इन 1698 वेयर बाई एन इम्प्रोवाइज नॉवल मैन काउंट गिडो फ्रेंचिसी इज फाउंड गिल्टी ऑफ द मर्डर्स ऑफ हिज यंग वाइफ पोम्पिला. उसमें काउंट गिडो फ्रेंचिसी जो है अपनी यंग वाइफ पोम्पिला का मर्डर कर दिया है, इसी का वो गिल्टी है. एंड हर पेरेंट्स हैविंग सस्पेक्टेड हिज वाइफ हैविंग एन अफेयर विथ अ यंग क्लरिक गिफ्पी कैपोन सैची. ये एक यंग क्लरिक है ग्यूशिपी कैपोन सैची, उसके साथ उसका रिलेशनशिप था उसकी वाइफ का, ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है. ठीक है, मतलब इसकी इसके पेरेंट्स को ये सस्पिशन है. एंड ये मर्डर किया काउंट गिडो फ्रेंचिसी जो है वो मर्डर किया है अपनी वाइफ का. द स्टोरी इज रीटोल्ड इन डायरेक्ट पार्कर इन 2001 ट्रू क्राइम बुक रोमन मर्डर मिस्ट्री द ट्रू स्टोरी ऑफ पोम्पिलिया. ये जो वर्क है इसको फिर से एक बार रीटोल्ड किया गया है किसके द्वारा? डेरेक पार्कर.
ये क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है कि डेरेक पार्कर का जो नॉवेल है रोमन मर्डर मिस्ट्री द ट्रू स्टोरी ऑफ पम्पिलिया, रॉबर्ट ब्राउनिंग का इसी पे बेस्ड एक ड्रामेटिक पोयम है, ड्रामेटिक पोयम ड्रामा और ड्रामेटिक नैरेटिव पोयम है, वो किस पे बेस्ड है? ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है उस वर्क का क्या नाम है, तो रिंग एंड द बुक, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और ये टोटल 12 बुक थे इसमें, ठीक है, टोटल 12 बुक थे, और उन बुक के भी नाम आपसे कभी कभी पूछा जाता है, बुक के अंदर मतलब टोटल 12 बुक थे, और द रिंग एंड द बुक, हाफ रोम, द अदर हाफ रोम, इस तरह से 12 बुक हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया रिंग एंड द बुक किस बारे में? तो रिंग एंड द बुक इज अ क्राइम थ्रिलर कह सकते हैं। फिर है मेन एंड वुमेन, मेन एंड वुमेन जो वर्क है इट इज अ कलेक्शन ऑफ 51 पोएम्स, 51 पोएम्स का कलेक्शन है एंड 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था, फर्स्ट पब्लिश इन 1855, 1855 में पहली बार पब्लिश हुआ था। ब्राउनिंग्स मेन एंड वुमेन कंसिस्ट ऑफ 51 पोएम्स, ब्राउनिंग का जो ये बुक है मेन एंड वुमेन ये कंसिस्ट ऑफ 51 पोएम्स एंड ऑल ऑफ विच आर मोनोलॉग स्पोकन बाई डिफरेंट नरेटर। ठीक है, ये जितने भी मोनोलॉग्स हैं वो किसी और दूसरे नरेटर के द्वारा बोले गए हैं, एंड सम आइडेंटिफाइड एंड सम नॉट, द फर्स्ट 50 टेक इन अ वेरी डाइवर्स रेंज ऑफ हिस्टोरिकल रिलीजियस और यूरोपियन सिचुएशन विद द 51st वन वर्ड मोर फीचरिंग ब्राउनिंग हिमसेल्फ एज नरेटर एंड डेडिकेटेड टू हिज वाइफ। तो मेन एंड वुमेन जो है ये वर्क 51 पोएम है इसमें, और सारा का सारा मोनोलॉग है, मतलब ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और सारे के नरेटर्स अलग अलग हैं, सिर्फ लास्ट पोयम है जो वन वर्ड मोर वो है हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने खुद अपनी वाइफ को डेडिकेट किया। ठीक है, एंड ऑल ऑफ द वर्क, ऑल ऑफ द मोनोलॉग आर स्पोकन बाई डिफरेंट नरेटर्स, सम आइडेंटिफाइड एंड सम नॉट, एंड द फर्स्ट 50 टेक इन अ वेरी डाइवर्स रेंज ऑफ हिस्टोरिकल रिलीजियस और यूरोपियन सिचुएशन, मतलब हिस्टोरिकल सिचुएशन के बारे में भी, रिलीजियस सिचुएशन के बारे में भी, और यूरोपियन टाइम में उस टाइम पे जो सिचुएशंस थे उस टाइम उस के बारे में भी ये वर्क है। ठीक है, और ये जो पोयम है मेन एंड वुमेन, इसका जो टाइटल है मेन एंड वुमेन का वो लिया गया है किससे? तो इट इज टेकन फ्रॉम, इट इज अ केम फ्रॉम अ लाइन इन हर सोनेट फ्रॉम द प्रोटेग्यूज, उससे लिया गया, द टाइटल ऑफ द कलेक्शन कम फ्रॉम लाइन इन हर सोनेट्स फ्रॉम द प्रोटेग्यूज, उससे लिया गया है। सोनेट फ्रॉम द प्रोटेग्यूज जो वर्क है वो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का है। ठीक है, सोनेट फ्रॉम प्रोटिग्यूज, उसी का एक लाइन से लिया गया है मेन एंड वुमेन का। अब एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, अगर बहुत लोग अभी लेट से जुड़े होंगे, मान से जैसे आप लेट से जुड़े हो, क्या आप, क्या आप टाइम पे जुड़े थे बताइए? जैसे बहुत लोग अगर लेट से जुड़े होंगे तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग कौन है, अब तो उनको थोड़ा शक हो रहा होगा कि ये कौन आ गया। उनको मैं बता दूं, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग इनकी वाइफ थी। ठीक है, एंड उन्हीं के इस वर्क से लिया गया सोनेट फ्रॉम प्रोटेग्यूज से। ठीक है, आगे देखते हैं, ये टाइटल मैं लिख देता हूँ कहाँ से लिया गया, क्योंकि ये आपके कभी कभी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कि टाइटल कहाँ से लिया गया। टाइटल ऑफ कलेक्शन केम फ्रॉम सोनेट्स फ्रॉम प्रो इट्स, यहां से लिया गया है इसका टाइटल। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, अगर आप रॉबर्ट ब्राउनिंग के पोएम्स के नाम जानते होंगे तो कुछ पोएम्स आपको पता भी होंगे, जैसे द लास्ट राइट टुगेदर, क्या आपको पता है लास्ट राइट टुगेदर? मैं आपको इस पोयम में जो कलेक्शंस थे, जो फेमस पोयम्स हैं उनके नाम लिख रहा हूँ, जैसे इसमें 51 पोयम थे टोटल। ठीक है, उन 51 पोयम्स में से पोयम्स के मैं नाम लिखूंगा जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे एक है अ लवर्स क्वेरल, इनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पोयम है रावी बेन इजरा, इसमें नहीं है वो दूसरे वाले में, अच्छा नहीं, एक सेकेंड, हाँ इसमें नहीं, अ लव्स क्वारल,
इवलिन होप, प्रालिपोलिपि, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, प्रालिपोलिपि। एंड एंड्रिया डेल सार्टो, एंड्रिया डेल सार्टो एंड द लास्ट राइड टुगेदर। लास्ट राइड टुगेदर, इनके पोएम्स के कोट बहुत फेमस होते थे, ठीक है। जैसे एक है ग्रो होल्ड एलॉन्ग विथ मी, और रावी बिन इजरा का शायद हो, तो वैसे वो बहुत सारे फेमस इनके पोएम्स हैं, और ये कुछ इसके पोएम्स हैं जो फेमस थे, तो आपको ये पता होना चाहिए मेनली, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया या कोई डाउट? देखो ये सारे जो वर्क लिखे हैं ना, ये सारे जो मैंने अभी लिखे हैं वो सारे पोएम है रॉबर्ट ब्राउनिंग के, ठीक है, वो इसी में कलेक्शंस में से हैं। जैसे आपने सुना होगा, ये इसका नाम सुना होगा, द लास्ट राइड टुगेदर का नाम सुना होगा, अब आपको लग रहा होगा कि ये सर अलग से तो नहीं है, पोएम अलग से नहीं है, ये इसी का कलेक्शन का है, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और इनका रावी बिन इजरा तो आप लोग के मास्टर्स वगैरह में होता है, जैसे मेरे मास्टर्स में था वो रावी बिन इजरा, तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोएम रावी बिन इजरा। आप लोगों ने पढ़ा है रावी बिन इजरा? बताइए मानसी, राधा, माया, एवरीवन टेल मी, रावी बिन इजरा आपने पढ़ा है? चलिए, वेल्थ एंड होमी ग्रेनेट्स, ये वर्क के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वेल्स एंड पोमी ग्रेनेट्स में सबसे पहला इनका जो वर्क था, एक इनका इन्होंने एक प्ले भी लिखा था जिसका नाम था पीपा पाशिश, ठीक है, वो बेल्स एंड पोमी ग्रेनेट्स का ही पार्ट। तो बेल्स एंड पोमी ग्रेनेट्स में आपको 8 वर्क आए, ठीक है, बेल्स एंड पोमी ग्रेनेट्स में 8 वर्क आए, एंड बेल्स एंड पोमी ग्रेनेट्स में बहुत सारे प्लेस थे जिनके मैं नाम लिखने जा रहा हूँ आपको, ठीक है, जिससे आपको पता होना चाहिए बेल्स एंड पोमी ग्रेनेट्स का। तो बेल्स एंड पोमी ग्रेनेट्स में सबसे पहला बेल्स एंड पोमी ग्रेनेट्स नंबर फर्स्ट जो था वो था पीपा पासिस, पीपा पासिस, जो कि एक प्ले था 1841 में आया था। बेल्स एंड पोमी ग्रेनेट्स का ये पहला पार्ट था, ये 1841 में आया था, ठीक है, एंड दूसरा पार्ट किंग विक्टर एंड किंग चार्ल्स, ये भी एक प्ले है, और ये 1842 में आया था। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत कम प्ले लिखे हैं, इसलिए इनको पोएट्री वाले में ही इनका प्ले भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट। और फिर इन्होंने थर्ड वाला जो बेल्स एंड पोमीग्रेनेट्स लिखा वो एक ड्रामेटिक लिरिक्स था, ये दो पार्ट था बेल्स एंड पोमीग्रेनेट्स का ही, ठीक है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, एंड बेल्स एंड पोमीग्रेनेट्स पार्ट नंबर 3 जब आता है तो थोड़ा सा इसको मैं डिस्कस करूँगा। ये जो नंबर 3 था, इट इज़ अ ड्रामेटिक लिरिक्स, ड्रामेटिक लिरिक्स, ये ड्रामेटिक लिरिक्स था। किस तरह का लिरिक्स था? ड्रामेटिक लिरिक्स था, और इसमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क हैं जो इसके लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग को जाना जाता है, एंड उसी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्क है वो है प्रोफेरियाज लवर, प्रोफेरियाज लवर इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर माई लास्ट डचेस, माई लास्ट डचेस, द पाइड पेपर ऑफ हेमलिन, ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं इनके। और फिर एक आता है, एक
इसमें और भी वर्क है, इसमें बहुत सारे पोएम्स और भी हैं, तो मैंने बस ड्रामेटिक लिरिक्स में सिर्फ तीन ही चार बताया जो इम्पोर्टेंट थे, और भी उसमें लेकिन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए मेनली वो भी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसी में बेल्स एंड पोमीग्रेनेट्स का ही एक और पार्ट, मतलब जो चौथा आता है वो क्या रहता है, बेल्स एंड पोमीग्रेनेट्स। बेल्स एंड पोमीग्रेनेट्स, इसका जो एक सेकेंड, फोर्थ पार्ट आता है, फोर्थ पार्ट नंबर फोर। ये जो नंबर फोर आता है वो किस बारे में है, द रिटर्न ऑफ द डर्सेस, एक प्ले, ठीक है, द रिटर्न ऑफ द डर्सेस, इट इज अ प्ले विच इज कम इन 1843 एंड या 1843 में था। एंड वेल्स एंड पोमीग्रेनेट्स फाइव नंबर, फाइव नंबर ये आता है, अ ब्लॉट इन द सचियोन, ये भी एक प्ले ही, और ये आया था 1843 में। ये भी 1843 में ही आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और फिर लास्ट नहीं, ये भी लास्ट नहीं है, इसके बाद भी एक और आएगा। ओके अच्छा, क्वेश्चन और सिक्स नंबर आया था, सिक्स नंबर वाला प्ले का मैं नाम लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, कोलंबस बर्थडे, ये आया था हमारा, ये भी एक प्ले है, और ये कब आया था, 1844 में आया था, 1844 में आया था। एंड सिक्स्थ वाला जो आया था वो था ड्रामेटिक रोमांसेस। अच्छा ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, ड्रामेटिक रोमांसेस, ये इसी का है, बेल्स एंड पोमीग्रेनेट्स पार्ट नंबर सेवन, ड्रामेटिक रोमांसेस नंबर सेवन, ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स, ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स। और ये कब आया था, तो ये आया था 1845 में, ठीक है, 1845 में आया था। एंड में इम्पॉर्टेंट है द लेबोरेटरी, द लेबोरेटरी, फिर एक है द लॉस्ट लीडर, द लॉस्ट लीडर जो पोएम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए था, ठीक है। एंड होम थॉट्स, फ्रॉम एब्रॉड, होम थॉट्स फ्रॉम एब्रॉड, मीटिंग एट नाइट, ये कुछ इसके पोएम थे जो इम्पोर्टेंट पोएम्स थे इसके, ठीक है। आठवां जो पार्ट था बेल्स एंड प्रोमिग्रेनेट्स का, वो आया था 1846 में, एंड इट इज ऑल्सो अ प्ले, का नाम था लूरिया एंड अ सोल्स ट्रेजिडी, जो कि एक प्ले है, 1846 में आया था। तो ये सारे इनके बेल्स एंड पोमीग्रेनेट्स के पार्ट थे, समझ में आया, एवरीवन टेल मी। अब हम लोग कुछ कुछ इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है, जैसे रावी वे निजरा, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, और फिर द जो जो इम्पोर्टेंट है जैसे प्रोफेरियाज लवर, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट जो भी हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो रावी बेन इजरा, किस बारे में रावी बेन इजरा, कोई बता सकता है रावी बेन इजरा किस बारे में है, कैन एनीबडी टेल मी,
देखो, रावी बे निद्रा एक फेमस पोएम है रॉबर्ट ब्राउनिंग का, और ये जो है इट इज़ द फेमस पोएम अबाउट द रावी अब्राहम इन इज़रा, जो कि 1092 टू 1167 उनका बर्थ है, मतलब टाइम पीरियड है जिसमें वो रहे. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ज्यूइश पोएट्स एंड द स्कॉलर ऑफ द 12th सेंचुरी. ही रॉट ऑन ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी एंड स्ट्रोबल एंड अदर टॉपिक्स. तो ये उसी के बारे में है. और बट इट इज़ नॉट अ बायोग्राफी, ठीक है. ये अब्राहम इब्न इज़रा का बायोग्राफी नहीं है. रावी बिन इज़रा अब्राहम बिन इज़रा का बायोग्राफी नहीं है. लाइक ऑल ब्राउनिंग्स पोएम, इट इज़ अ हिस्टोरिकल पोएम. इट इज़ अ फ्री इंटरप्रिटेशन ऑफ द आइडिया दैट इब्न इज़राज़ लाइफ एंड वर्क सजेस्ट टूवर्ड ब्राउनिंग. एंड एट द सेंटर ऑफ द पोएम इज अ थेसिस्टिक पैराडॉक्स दैट गुड माइट लाई इन द इनविलिटी ऑफ एब्सेंस. जैसे इसमें बोलते हैं, ग्रो ओल्ड एलॉन्ग विथ मी, क्या एक फेमस लाइन है जो मैं लिख दे रहा हूँ. पहले तो ये वर्क आया कब, थोड़ा सा वो जान लो, उसके बाद. तो ये वर्क जो है, ग्रो ओल्ड एलॉन्ग विथ मी, इसमें जो फेमस कोट है रावी बिन इज़रा का, पहले तो किसके बारे में थोड़ा सा मैं वो बता देता हूँ. इट इज़ अबाउट अ रियल 12th सेंचुरी स्कॉलर, ठीक है. अबाउट द फेमस अब्राहम इब्न इज़रा. ठीक है, इनके बारे में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ज्यूइश स्कॉलर, ठीक है. बट इट इज नॉट अ बायोग्राफी, इट इज नॉट अ बायोग्राफी. ये बायोग्राफी नहीं था, लेकिन है तो उन्हीं के लाइफ पे बेस्ड, लेकिन ये बायोग्राफी नहीं है. ऐसे नहीं है. तो इट इज़ लाइक ब्राउनिंग, ऑल ब्राउनिंग्स हिस्टोरिकल पोएम्स, एंड इट इज़ फ्री इंटरप्रिटेशन ऑफ द आइडिया दैट इब्न इज़राज़ लाइफ एंड वर्क सजेस्ट टू ब्राउनिंग. बस उसके बारे में, ठीक है. इसमें इसमें लाइन है जो मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ग्रो ओल्ड along with me, so old along with me, the best is yet to be. ठीक है, grow old along with me, the best is yet to be. ये इसका फेमस लाइन है जिसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए, एंड रावी बेन इज़रा जो है पोएम, इसका मतलब ओपनिंग लाइन है ये, ग्रो ओल्ड एलॉन्ग विथ मी, द बेस्ट इज येट टू बी, द लास्ट ऑफ लाइफ फॉर विच द फर्स्ट वॉज मेड, आवर टाइम्स आर ऑन इन इज हैंड, हु सेट द होल आई प्लान, यूथ सोज बट हाफ, ट्रस्ट गॉड सी ऑल नॉर बी अफ्रेड. ये रावी बिन इज़रा का लाइन है, ठीक है. और इसके लिए जाने जाते हैं. रावी बिन इज़रा पब्लिश हुआ था 1864 में. कब हुआ था? 1864 में. एंड इसमें 192 लाइंस है. टोटल कितने लाइन है? 192 लाइंस. आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, आपको बस ये लाइन याद रखना है, ग्रो ओल्ड एलॉन्ग विद द बेस्ट इज येट टू बी, ठीक है. एंड इसमें ब्राउनिंग का जो ऑप्टिमिस्टिक फिलोसफी था, जो मैंने बताया ना कि ब्राउनिंग वाज वन ऑफ देम जो ऑप्टिमिस्टिक थे लाइफ को लेकर, तो वो उनके ऑप्टिमिस्टिक फिलोसफी को देखने को मिलता है. रावी बिन इज़रा इज द नरेटर हेयर, एंड ही वाज रियल 12th सेंचुरी ज्यूइश स्कॉलर. व्हाट ही सेज हेयर इज दैट इन यूथ मैन गैदर्स एक्सपीरियंस, इन एज ही यूजेज दिस एक्सपीरियंस टू कंट्रोल हिज नेचर एंड बिहेवियर. बोलता है कि यूथ में आदमी जो होता है वो नेचर को
नेचर को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस गैदर करता है, ठीक है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो उस चीज़ को वो कंट्रोल करता है। इन एज ही यूज टू एक्सपीरियंस टू कंट्रोल हिज नेचर एंड बिहेवियर थ्रो मैन्स स्ट्रगल इन यूथ थ्रो हिज मिस्टेक्स ही कम्स टू अ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड एंड द यूनिवर्स एंड मैंस प्लेस इन अ होल स्कीम ऑफ थिंग। ये एक पोएम इनका इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में जो चीज़ें बताई मैंने, अब बस ये याद रखना और जो लाइन बताई वो भी याद रखना। अब मैं चलता हूँ आपको प्रोफेरियाज लवर के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पोएम है इनका और वो ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा हुआ पोएम है। और प्रोफेरियाज लवर, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग प्रोफेरियाज लवर का। ये 1836 में आया था एंड इट इज़ अ पोएम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग विच वाज फर्स्ट पब्लिश एज प्रोफेरिया, ठीक है, पहली बार प्रोफेरिया में पब्लिक करके पब्लिश हुआ था 1836 में। एंड ब्राउनिंग इसको लेटर थोड़े दिन के बाद, मतलब जो वो बेल्स एंड पोमीग्रेनेट्स में जो आया था ड्रामेटिक लिरिक्स करके 1842 में, उसमें शामिल कर देते हैं, ठीक है। इट इज़ लेटर रिपब्लिश एज अ ड्रामेटिक लिरिक्स, ठीक है, एंड इसको हम लोग उस टाइम पे देखते हैं पेयर्ड विथ जोहानस एर्गुलोकला इन मेडिटेशन, ठीक है। तो सबसे पहली बार कैसे आया था, तो पहले अकेले आया था ये वर्क, ठीक है। द पोएम डिड नॉट रिसीव इट्स डिफिनेटिव टाइटल अंटिल 1863। ये जो टाइटल इसको मिला हुआ है ये 1863 में मिलता है इसको, इससे पहले इसको टाइटल नहीं मिला था। तो प्रोफेरियाज लवर इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग। और ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है मैंने आपको बता दिया। एंड वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ हिज पोएम्स टू एग्जामिन एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ये पहला वन ऑफ द पोएम है जिसमें एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में देखने को मिलता है। अल्थाउ इट्स इनिशियल पब्लिकेशन पास्ट एंड नियरली अननोटिस्ड एंड रिसीव्ड लिटिल क्रिटिकल अटेंशन इन द नाइनटीन सेंचुरी एंड द पोएम इज नाउ हैवीली एंथोलाइज्ड एंड मच स्टडीड इन अ पोएम अ मैन स्ट्रगल हिज लवर्स प्रोफेरियाज विथ हर हेयर एंड उसको मार के उसके बाद उसको जस्टिफाई करता है, यही इसका इंटरप्रिटेशन है। और आप चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो, छोटा सा ही पोएम है तो आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है तो आप को देखने में कोई गलत नहीं होगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और एक इनका और वर्क जिसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, ये लास्ट क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग को डिस्कस करनी थी, तो माई लास्ट टचेस उनमें से एक है, माई लास्ट टचेस, माई लास्ट टचेस जो वर्क है ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इट इज ऑल्सो ड्रामेटिक मोनोलॉग, एंड वाट इट इज अबाउट। तो माई लास्ट डचेस जो है इट इज अबाउट द डेथ ऑफ अ वुमेन एट द हैंड्स ऑफ मैन अफेयर्स इन द ब्राउनिंग थ्री ऑफ मोस्ट पॉपुलर ड्रामेटिक मोन, जिसमें माई लास्ट डचेस भी वन ऑफ देम है, ठीक है। और फेरियाज लवर में भी वही देखने को मिलता है एंड रिंग एंड द बुक में भी वही देखने को मिलता है कि लवर जो है अपनी जो बिलवेड है उसको मार देता है, यही मेन इसका इसमें भी ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। एंड ये रिंग एंड द बुक से ही ये चलता आ रहा था। प्रोफेरियाज लवर में भी यही चीज़ हुआ, माई लास्ट डचेज में भी यही हुआ और द रिंग एंड द बुक में भी, ठीक है। तो इसमें भी मेनली यही चीज़ होगा। मैं आपको थोड़ा सा समरी टाइप का दे देता हूँ, मतलब प्लॉट का समरी टाइप का। तो जब आप देखोगे तो माई लास्ट डचेज जो है द ड्यूक एंड्स हिज स्टोरी अबाउट हिज लास्ट वाइफ देयर सी स्टैंड एज इफ इट्स लाइव एंड हिज नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एन इन्विटेशन टू द लिसनर टू राइज एंड गो डाउन स्टेयर टू ग्रीट द रेस्ट ऑफ द कंपनी एट दिस पॉइंट, ठीक है। ये जो पोएम है ओपन्स होता है विथ ओमनियस प्रोमिनेंट दैट्स माई लास्ट डचेज पेंटेड ऑन द वॉल, वहाँ से स्टार्ट होता है, और लुकिंग एज इफ सी वेयर अ लाइफ एंड द ड्यूक रिलेट द पेंटिंग वॉज कम्प्लीटली बाई
एंड लोप एंड देन गोज इन टू डिटेल द टैलेंट्स ऑफ द पेंटर, उसके बारे में बताने लगता है। और फिर मतलब पहले उसके पेंटिंग के बारे में बात कर रहा, फिर लास्ट में बताएगा कि उसको मार दिया, ये सब चीज़। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोयम है। तो आज के लिए इतना ही, एंड अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके ये सब कुछ बेनिफिट उठा सकते हो, जैसे डेमो वीडियोज़ मिल जाएंगे, एग्जाम सिलेबस, 2 ईयर PYQs, 2 ईयर कट ऑफ पेपर एनालिसिस, सब कुछ, एंड रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको मिल सकता है यूजीसी नेट का, अगर आप चाहो तो। एंड ये हमारे ऐप पे फ्री में आपको बहुत सारी कंटेंट मिलेंगे, जैसे प्राइम क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस रैंकर स्ट्रेटजीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टीचर सेंड आउट, एंड पेपर एनालिसिस एंड PYQs एंड एवरीथिंग। अगर अभी तक आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एवरीवन, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, एंड यू हैव नॉट देन वी विल इन द सेशन। ठीक है, कहाँ थी मानसी आप? मैंने आपसे 2 बार सवाल पूछा, आपने बोला ही नहीं कुछ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।